तो यहाँ पे लेक्चर 20A को स्टार्ट करते हैं, ओके। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल प्रोफाइल। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रोफाइल देख ली थी, ओके। इन डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू माइनस डी फाई एक्स अपॉन पोटेंशियल को हम फाई एक्स करके लिखते हैं, ठीक है। एक आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है और वही आपका इस तरीके से हम लिखते हैं, ओके। ये चीज़ हमने ऊपर देखी हुई है, ये चीज़ ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में था, उतना ऊपर नहीं जाते, वापस आते हैं। तो आपका इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल का, तो आपका वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ओके। तो डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स जब करेंगे, माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। नॉर्मली आपका वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो ये कुछ कुछ वहीं से आपका मिलता जुलता हो गया, ओके। नॉर्मल केस का आपका हो गया डी आपका एक्स के इक्वल ही है, मतलब डिस्टेंस के इक्वल ही है दोनों, तो ये चीज़ हो गया। अब इसी को हम यूज़ करेंगे, तो पोटेंशियल प्रोफाइल निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, जो कि आपका पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है। ये पूरा आपका ई है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करके तब हम करेंगे। तो फाई एक्स निकालने के लिए एट द पी साइड, पहले पी साइड ये याद रखेंगे किस साइड निकाल रहे हैं, तो माइनस बाहर है ही और माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस, क्योंकि पी साइड है इसलिए इसके साथ क्या इन्वॉल्व है, एन ए। अगर वही एन साइड होता तो उसके संग इन्वॉल्व होता एन डी। तो ये चीज़ हो गई, ओके। तो ये चीज़ हो गई आपका, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स पी इंटू एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बाई टू बन गया और यहाँ पे आपका एक्स पी के संग एक्स आ गया। तो प्लस आपका एक कॉन्स्टेंट जिसको सी वन डैश बोला है, क्योंकि सी वन ऊपर यूज हो चुका है, तो सी वन डैश। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ओके जंक्शन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेटर देन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस असल में जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ना कि आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना हमें उससे मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमें उससे मतलब है, ओके। इससे मतलब नहीं है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। सो वी मे आर्बिट्रेरी सेट पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। तो इसकी वजह से हम अपने हिसाब से अपने मर्जी से पोटेंशियल को जीरो पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फाई एक्स आप निकाल रहे थे इसको जीरो ले लेते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, ना कि पोटेंशियल की वैल्यू से। तो इसको जीरो कर देंगे, तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करके लाना है। सारा कुछ इसकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू के लिए ही हो रहा है। इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं तो आपको पता है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको सॉल्व करके लानी भी पड़ेगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि ये जीरो के इक्वल कर दिया, तो क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस ये पूरा समथिंग प्लस सी वन डैश। तो सी वन डैश आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कहाँ पे, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी पे पोटेंशियल जीरो है, ओके। ये पूरा आपने जब डायग्राम देखा था, ये इधर वाला ये आपका इन इन जगह पे ये जीरो है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये आपका एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी और एक्स इक्वल टू एक्स एन, ये जो दो जगह है, ये जो दो जगह है यहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी और एक्स इक्वल टू एक्स एन। तो एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी हमने ले लिया। अब जब यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स पी ले लिया, तो ये भी आपका एक्स पी स्क्वायर बन गया और ये भी, तो ये एक्स पी स्क्वायर टू माइनस एक्स पी स्क्वायर क्या दे देगा आपका, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो ये आपका माइनस ऑफ एक्स पी स्क्वायर अपॉन टू दे देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स पी स्क्वायर को तो कॉमन ले लो, ये वन बाई टू माइनस वन ही क्या दे देगा, माइनस वन बाई टू दे देगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वन बाई टू और माइनस पहले से था, क्योंकि इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, सी वन डैश इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस वजह से इसका जो माइनस हो जाएगा वो चला जाएगा। तो इसको जब दूसरी तरफ ले गए, इसका माइनस चला गया, तो सी वन डैश आपका कुछ इस तरीके से आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट सी वन डैश आ गया। अब इसी सी वन को डैश को उठा के वापस यहाँ रख दो इक्वेशन में, तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन बनी, ओके। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन बनी, फाई एक्स इक्वल टू क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स पी इंटू एक्स प्लस क्यू एन ए अपॉन टू एप्सिलॉन एस और एक्स पी स्क्वायर टू, ओके। क्योंकि ये पी है तो पी साइड के लिए है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्यू एन ए अपॉन टू एप्सिलॉन एस को कॉमन ले लो, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया, एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू एक्स पी और एक्स पी स्क्वायर। तो ये आपका क्या, एक्स प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख गया। तो यही से आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपका फाइव एक्स इक्वल टू, ये क्या है, पोटेंशियल प्रोफाइल फॉर पी साइड, ओके, पी साइड के लिए। तो ये आपका क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एस और एक्स प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस एक्स पी से लेके जीरो तक।
ओके ये आपका कुछ इस तरीके से है, तो ये माइनस एक्स पी से लेके और जीरो तक ये वैलिड है। अब आपका जो दूसरा वाला आएगा ये वाला, वो ये वैलिड होगा एक्स एन तक, तो ये आपका नीचे आएगा, ठीक है, एन साइड के लिए। सिमिलरली सब कुछ सेम रहेगा, बट एक्स पी को एक्स एन से रिप्लेस कर दो, एक्स पी और यहाँ वहाँ माइनस एक्स पी था या एक्स एन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने करी है, तो ये देखो एक्स एन इजकल टू एक्स एन माइनस एक्स, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू पहले था, क्योंकि वहाँ पे माइनस नहीं, माइनस ऑलरेडी था माइनस एक्स पी, यहाँ पे उलट जाएगा। तो ये एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू डैश, इसको सी टू डैश ले लिया आपने इस कॉन्स्टेंट को, इसको कॉन्स्टेंट को निकालना पड़ेगा। सेम वही चीज़ एक्स इक्वल टू जीरो पे फाइव एक्स इज कंटिन्यूस, तो उसको जीरो कर दो। यहाँ पे दूसरी चीज़ करेंगे कि अगर x इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू जीरो कहाँ पे, बीच में आपका ये जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट जीरो वाला ये, तो इस जगह की बात कर रहे हैं। फाइव एक्स जो है आपका कंटिन्यूस है, उसमें ब्रेक नहीं है, ओके। ये फाइव एक्स का पोटेंशियल प्रोफाइल कंटिन्यूस है, इसकी वजह से कंटिन्यूस होने का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो प्लस, है ना, जो लिमिट कंटिन्यूटी पड़ी है, तो वही चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल करी है। जीरो माइनस पे किसकी वजह से है, पी साइड की वजह से है, जीरो प्लस पे एन साइड की वजह से है। तो ये जो एन साइड की वजह से वाला आया, इसको हमने इधर रखा, पी साइड वाले को इधर रखा, एक्स को जीरो रख दिया, और हमने सारी वैल्यूज लगा के दोनों को एक साथ इक्वल रख दिया। वहाँ पे हमने अलग तरीके से सॉल्व किया था, जीरो के इक्वल रखा था, यहाँ पे अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया, क्यू एन अपॉन टू एप्सिलॉन एस जीरो प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर, और यहाँ जीरो माइनस जीरो, ये तो पूरा आपका हट गया, और यहाँ पे आपका जीरो प्लस एक्स पी, तो जीरो हट गया, तो ये एक्स पी इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सी टू डैश भी कुछ इस तरीके से आ गया, तो सी टू डैश इज क्यू एन ए अपॉन टू एप्सिलॉन एस और एक्स पी स्क्वायर। तो यह आप फाइनल इक्वेशन को लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लिखने में एक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि यहाँ पे इसमें तो एक्स एन है, बट ये जो सी टू डैश है इसके अंदर एक्स पी आ गया, क्योंकि हमने इसको एक्स पी के इक्वल रखा था, ओके। ये टर्म तो चला गया था जीरो की वजह से। तो ये देखो सी टू डैश, ये आपको दिख रहा होगा, ये सी टू डैश इज इक्वल टू ये जो पूरा टर्म है, ये वाला इधर जो पूरा ब्रैकेट में किया मैंने बॉक्स में, तो इसके इक्वल है, तो ये एक्स पी के इक्वल आ गया। तो इसकी प्रोफाइल में एन साइड में आपका एक्स एन भी आया है और आपका साथ में एक्स पी भी आया है, तो इसको याद रखेंगे, ओके। वहाँ पे केवल एक्स पी है जब आपने पी साइड का निकाला है। तो ये पूरी प्रोफाइल आपकी कहाँ से कहाँ तक के लिए आ गई, जीरो से एक्स एन के लिए, और पुरानी वाली कहाँ से आई थी, माइनस एक्स पी से लेके और आपका जीरो तक के लिए थी वो प्रोफाइल, ओके। तो ये आपकी दोनों प्रोफाइल आ गई, बस यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्स एन एक्स पी दोनों मौजूद है, ये याद रखेंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। तो आगे चलते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल आया, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो ये कुछ वैल्यू बनेगी, ओके समथिंग, और ये एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी से शुरू हो रहा है, और आपका पोटेंशियल प्रोफाइल और एक्स इक्वल टू एक्स एन पे वो पूरी वैल्यू को अटेन कर रहा है। मतलब आप जैसे ही एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी रख दोगे तो ये जो फाइव एक्स है ये आपका जीरो दे देगा बिल्कुल इस जगह पे, बट यही आपका अगर आप एक्स इक्वल टू एक्स एन रखोगे तो ये जीरो नहीं देगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, और वो वैल्यू कुछ होगी। अब आपको फाइव बी आई समझना है, जो आपका जो पोटेंशियल आपका बिल्ट इन पोटेंशियल है, ओके, बिल्ट इन बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या क्या ई बी आई बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल आपका क्या होता है, वही पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जब आप एक्स को एक्सन रख देते हो। तो जब आपने एक्स को एक्सन रखा तब आपको जो पोटेंशियल मिला वो आपका फाइव बी आई है, ये याद रखेंगे, ओके। जब आपने एक्स को एक्सन रखा तो आपको जो पोटेंशियल मिला वो फाइव बी आई है, और ये अलग अलग वैल्यूज है, ये इसका पूरा ग्राफ हो गया। द पोटेंशियल थ्रू द डिप्लीशन रीजन फॉर हैज क्वाड्रेटिक, इसका नेचर क्वाड्रेटिक पैराबोलिक डिपेंडेंस होता है डिस्टेंस पे। देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस के संग कुछ इस तरीके से ऐसे कर्व के शेप में या फिर ऐसे इस तरीके से बढ़ा, ये पूरा पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक पैराबोलिक नेचर है, तो इस तरीके से आगे बढ़ा है डिस्टेंस के संग। ये आपका क्या पोटेंशियल प्रोफाइल है, पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, यहाँ क्या कह रहा है कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल। मतलब अगर आपको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप उसमें केवल क्या मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो माइनस क्यू, होल के लिए करेंगे तो प्लस क्यू, और ये आपका पोटेंशियल इसमें मल्टीप्लाई, ये चीज़ कर देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का भी आपका जो डिपेंडेंस होगा डिस्टेंस पे, वो आपका क्वाड्रेटिक पैराबोलिक होगा। यहाँ पे समझने वाली बात हैज़ ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी का भी जो डिपेंडेंस है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, वो भी क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पैराबोलिक होगा, ओके। तो ये पोटेंशियल प्रोफाइल के बारे में हमने जाना। अब बिल्ट इन पोटेंशियल को देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में।
ओके तो फाइव बी आई से नोट करते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल को, दिस इज पोटेंशियल इसलिए फाइव और उसमें बिल्ट इन तो बी आई बाई फाइव बी आई आपका क्या होता है, जब फाइव एक्स जो होता है और आप एक्स को एक्सन रख देते हो, फाइव एक्स में जो आपका आपने ऊपर निकाला है, जैसे कि हमने ऊपर ग्राफ में भी देखा कि आप इस वाले अपने फाइव एक्स के ग्राफ में जब एक्स को एक्सन रख रहे हैं इस जगह पे, उस जगह जो मैं इस जगह पे जो आपको एक्स इक्वल टू एक्सन रखने पे मैक्सिमम पोटेंशियल मिल रहा है वही फाइव बी आई है। तो आप अपनी इक्वेशन में एक्स को एक्सन रख दो, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्सन रख दो, जैसे यहाँ ये एक्स पी स्क्वायर ही है, तो आपको पता ही हमने देख लिया क्योंकि हम एन साइड में जब कर रहे हैं तो एक टर्म एक्सन का है एक एक्स पी का है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया आपका एन डी मल्टीप्लाई हो गया एक्सन में और एन ए मल्टीप्लाई हो गया एक्स पी में, तो एन डी एक्सन स्क्वायर प्लस एन ए एक्स पी स्क्वायर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे ये फाइनल आपका स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसी के अंदर स्क्वायर आ गया, तो q अपॉन टू एप्सिलॉन s और एन डी एक्सन, ठीक है, एन डी डोनर वाला एक्स एन के साथ में और एन ए वाला एक्स पी के साथ में, ये तो नॉर्मल है ओके, और इनका स्क्वायर प्लस, और ये रिक्रिएट हो गया फार्मूला q अपॉन टू एप्सिलॉन s, ये आपका फाइव बी आई। तो इस तरीके से फार्मूला आ गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल आपने बना के देखी है, ये ई मैक्स आपको एक्स इक्वल टू जीरो पे मिलता है और इसी जगह को हम क्या कहते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन कहते हैं, ओके मेटलर्जिकल जंक्शन ओके ठीक है जो भी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका ई इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे आपका एक्स है, जब आप एक्स इक्वल टू एक्स एन पे लाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ये ओके, बट इसका स्लोप पॉजिटिव है, इस वाले एरिया में इसका स्लोप पॉजिटिव है और इधर चलेंगे पीछे तो आपका स्लोप नेगेटिव है, ये कब है x इक्वल टू माइनस एक्स पी पे ओके, ये आपका x इक्वल टू जीरो है इसके पीछे, और ये टोटल ही जो आपकी विद होगी इस पूरे की, यही आपका w विद होती है, विद ऑफ द जंक्शन, ये टोटल विद ही आपका पूरी है, विद w होती है ये पूरी विद, ये w है इसको याद रखेंगे। वी एफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स, ये सबको पता है, इसके किसके इक्वल है डी फाई का, आप इंटीग्रेशन करें जीरो से फाइव बी आई तक, ये क्या कर रहे हैं हमने दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन, तो फाइव बी आई जो सिंपल आया मतलब आपने इधर जो डी फाई है ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो डी ओपन डी एक्स चला गया और उसमें फाइव बी आई लगा दिया फाइव की जगह, तो ये आपका केवल फाइव बी आई बन गया। फाइव बी आई किसके इक्वल है, ये अनदर फार्मूला ऑफ फाइव बी आई है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि अनदर फार्मूला ऑफ फाइव बी आई ओके, अनदर फार्मूला ऑफ फाइव बी आई। तो आपने यहाँ पे ई डी एक्स ये जो लिखा हुआ है तो माइनस ऑफ ई डी एक्स, कुल मिला के ये आपका डी फाई का फार्मूला या फाई का फार्मूला ये है कि फाई इज इक्वल टू ये आपका माइनस ई डी एक्स और माइनस एक्स पी से एक्सन तक, मतलब ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल है इसको इस पॉइंट से लेके पूरा यहाँ से लेके और यहाँ इस पॉइंट तक आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपको जिस तरीके से हो जाएगा, तो माइनस एक्स पी से एक्सन और ई डी एक्स इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स, तो एरिया अंडर द ई फील्ड प्रोफाइल कर्व, हम मतलब इसका पूरे का क्या मतलब है सबको पता है, अगर आप किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी लिमिट में या आप इतनी लिमिट के अंदर कर रहे हो, इसका मतलब कि इतनी लिमिट के अंदर जो एरिया होगा वही एक्चुअल में इस इंटीग्रेशन के इक्वल होगा ओके। तो इसका एरिया तो माइनस ऑफ फिर क्या है एरिया अंडर द ई प्रोफाइल कर्व, अब एरिया क्या है हाफ विद इनटू हाइट, तो ये हाइट तो आपको दिख रही है, ये हाइट क्या है ये आपका पूरा ई मैक्स है, ये चीज़ पूरी हाइट है ई मैक्स और इसका पूरा बेस क्या है डब्लू, तो हाफ डब्लू इंटू ई मैक्स बस यही आपको लगाना है यहाँ पे, तो ये आपका अनदर फार्मूला आ गया हाफ डब्ल्यू इंटू ई मैक्स और माइनस का, तो ये ई मैक्स यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा ई मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू फाई एन अपॉन डब्ल्यू, फाई बी आई की जगह फिलहाल हमने फाई एन रख दिया वापस, तो फाई एन एन साइड के लिए तो माइनस टू फाई एन और अपॉन डब्ल्यू, तो ये ई मैक्स का फार्मूला आ गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला फॉर ई मैक्स ओके, माइनस टू फाई एन अपॉन डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज अ टोटल डिप्लीशन रीजन विद, तो पूरा का जो पूरा आपका डिप्लीशन रीजन है मान लो ये डिप्लीशन रीजन है पूरा, तो इसी की पूरी विद है और इसके इधर आपका अलग है, ये पूरा आपका है सेमीकंडक्टर, ये मान लो एन साइड या पी साइड, ये डिप्लीशन रीजन है, पूरी डिप्लीशन रीजन की विद आपका डब्ल्यू है, तो ई मैक्स का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये याद रखेंगे ठीक है, ई मैक्स इज माइनस टू फाई अपॉन फाई एन अपॉन डब्ल्यू। फिर बात करते हैं स्पेस चार्ज विद या डिप्लीशन रीजन विद, सब एक ही चीज़ है ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन विद ही स्पेस चार्ज विद होती है क्योंकि इसी को स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, तो ये आपका डब्ल्यू हो गई ओके, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये पूरा आपका एक्स पी हो गया पूरा विद और ये आपका माइनस एक्स पी है, तो यहाँ से आपको साफ साफ क्या दिख रहा है ये कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्सएन के इक्वल है और ये आपका एक्सएन हो गया और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, यहीं पे आपको क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ई मैक्स,
ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगी इसके रिगार्डिंग। एक्स इक्वल टू एक्स एन है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी है। तो ये अलग अलग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल को हमने दोबारा बनाया, बट यहाँ पे हम कुछ और लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब डब्ल्यू इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स एन आ गया, यहाँ पे एक चीज़ और हम यूज़ करेंगे जो आपका मास एक्शन लो है एन ए एक्स पी इंटू एन डी एक्शन। मतलब एन ए में जो उसका एक्स पी मल्टीप्लाई हो रहा है जो लेंथ, मतलब इतने एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को हमने ऐड किया है इतनी लेंथ में, ओके सेम ऐसे इतने डोनर इम्प्योरिटीज़ को हमने ऐड किया है इतनी एक्सन लेंथ में, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको हमने यहाँ यूज़ किया। तो एक्स पी को हमने एक्चुअल में यूज़ कर लिया एन डी एक्सन अपॉन एन ए। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर आप याद करो जब आपने फाइ बी आई निकाला था या फाइ एन निकाला था, उस फॉर्मूले में आपका एक्स एन भी मौजूद था और एक्स पी भी मौजूद था, क्योंकि उसको हमने कुछ इस तरीके से किया था। अब आपको इस एक्स पी को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए ही आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक्स पी को एन डी अपॉन एन ए एक्स एन लिखेंगे। तो कुल मिला के उसी फॉर्मूले में जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने निकाला था, क्यू पॉइंट टू एप्सिलॉन एस एन डी एक्स एन स्क्वायर प्लस एन ए एक्स पी स्क्वायर, एक्स पी की जगह हमने ये लिख दिया, ओके एक्स पी ये है, इसको यहाँ से ये लिखा और इसकी जगह एन डी एक्स एन अपॉन एन ए का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन गया एन डी एक्स एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर, बस यहाँ पे अलग से ये एन ए आ गया है। ओके एन ए क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये एन ए मल्टीप्लाई हो रहा था और एन ए का स्क्वायर था नीचे, तो वो मल्टीप्लाई और नीचे स्क्वायर नीचे वाले को केवल एन ए बना देगा, ऊपर वाला कट जाएगा। तो ये आ गया, इसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स एन को तो बाहर ले लेंगे क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है, इधर इस वाली इक्वेशन में दोनों टर्म में एक्स एन आ रहा है, उसको बाहर ले लेंगे। और आपका क्यू पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है एन ए एन डी प्लस एन डी एन डी स्क्वायर अपॉन एन ए, ये इसके इक्वल आ जाएगा ये अंदर वाली चीज़ पूरी। ओके अब इसमें एक्सन को अलग कर लेंगे, फाइव बी आई को अलग कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सन निकाल रहे हैं। ओके एक्सन का फॉर्मूला ये हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला फॉर एक्सन। ओके एक्सन क्या है, एक्सन असल में एक एक्स पी है एक एक्सन है, इन दोनों को जोड़ के ही आप W निकाल सकते हो। तो आपको एक्सन निकालने से फ़ायदा होगा, हम एक्सन निकाले एक्सन स्क्वायर स्क्वायर टू टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू फाइव बी आई एन ए अपॉन एन डी इंटू वन प्लस एन ए प्लस एन डी। ओके तो ये जो पूरा टर्म है इसको सॉल्व करके कुछ हमने ऐसे ही लिख दिया ये। ओके तो ये इसको आप पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एन ए अपॉन एन डी अलग आ जाएगा एक जगह, और आपका इधर क्या आ जाएगा वन प्लस एन ए प्लस एन डी, तो ये आ जाएगा। अब इसी से हम एक्सन को फर्दर और सॉल्व कर लेते, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, तो ये रूट को मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रूट टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू इंटू एन ए अपॉन एन डी अपॉन वन प्लस एन ए प्लस एन डी फाइव बी आई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ऊपर तो आपका एक्सन के फॉर्मूले में ऊपर तो एन ए आ रहा है, बट क्योंकि ये एन है, ये एन है, ये एन टाइप या एन साइड वाले वाली बात हो रही है, तो इसमें नीचे आपका क्या आ रहा है एन डी आ रहा है, मतलब एन से जुड़ा हुआ क्या चीज़ होती है एन डी, और पी से जुड़ी हुई क्या चीज़ होती है एन ए। तो एक्स पी के फॉर्मूले में देखेंगे वहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हो, तो ये आपका एन डी नीचे आ रहा है एन ए ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे गलती हो सकती है मार्जिन ऑफ एरर जो है वो यही रहेगा इस जगह पे, एक्स एन इक्वल टू रूट टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू एन ए अपॉन एन डी वन प्लस एन ए प्लस एन डी इंटू फाइव बी आई, तो मार्जिन ऑफ एरर आपका यहीं रहेगा। तो डिप्लीशन रीजन का आपका विद है एन साइड की, डिप्लीशन रीजन की विद होगी केवल एन साइड में वो है। अब डिप्लीशन रीजन की विद पी साइड में, तो हमने एक्स पी निकालने के लिए क्या कर देंगे, आपको पता है एक्स एन एन डी अपॉन एन ए, मतलब जो एक्स एन आपने निकाला है उसमें ये मल्टीप्लाई कर दो एन डी अपॉन एन ए, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको अंदर भेज दो। अब ये अंदर जाके स्क्वायर बन जाएंगे तो ये एन ए अपॉन एन डी उल्टा हो जाएगा, तो फाइनली आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर तो आपका एन डी आया क्योंकि ये पी है, पी वाली साइड में ऊपर तो एन डी आया, नीचे इससे मिलता जुलता आएगा पी से मिलता जुलता एन ए। तो नीचे वाला हमेशा याद रखेंगे इसके एक्स पी और एक्स एन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आपका उसका मिलता जुलता चीज़ आएगी, एक्स पी के लिए एन ए आया ये और एक्स एन के लिए एन डी आया था नीचे, हैंस टोटल डिप्लीशन रीजन विद टोटल आपको पता है, आपने डब्ल्यू इज कर लू एक्स एन प्लस एक्स पी कर लो, तो आपने जब एक निकाल लिया एक्स एन उससे दूसरा निकाल लिया एक्स पी उससे आप टोटल निकाल लो, दोनों का सम ही डब्ल्यू होता है। ओके दोनों का सम ही डब्ल्यू है, तो ये आप ऐड कर लो, जब ऐड कर लोगे तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो कॉमन है, रूट ऑफ टू एप्सिलॉन एस क्यू वन प्लस एन ए एन डी कॉमन है, फाइव बी आई कॉमन है, यहाँ पे ये आपका अलग आया, ठीक है रूट ऑफ एन ए अपॉन रूट ऑफ एन डी प्लस रूट ऑफ एन डी अपॉन रूट ऑफ एन ए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो रूट ऑफ एन डी एन ए आ जाएगा और ये ऊपर एन ए प्लस एन डी आ जाएगा,
तो ये रूट रूट आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये आपका ऐसे आ गया। ओके, तो ये आपका ऐसा आ गया रूट ऑफ टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू, और यहाँ पे एन ए प्लस एन डी और नीचे एन ए एन डी, तो ऊपर प्लस नीचे आपका मल्टीप्लाई, ये याद रखेंगे। टोटल डिप्लीशन इज इन विद, इसको कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन डी। तो ये सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका आ गया, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपका डिप्लीशन इज इन विद का, ठीक है। रूट इसको रिक्रिएट कर लेते हैं, रूट टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू और फाइव बी आई, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका बिल्ट इन पोटेंशियल। इसी के संग और क्या आपका आ गया, वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन डी। इसमें याद करने का कुछ है नहीं, दोनों ही मौजूद है, दोनों ही डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ याद करने का है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 20 बी में।